अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा रेलवे स्टेशन पे। मेरे यहाँ आने की दो वजूहात हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई किसी गाड़ी को कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि आना नहीं आया जा रहा था। और अभी मैं आया हूँ 11 एक्सप्रेस को कैप्चर करने, जो कि सैलाब के बाद जो उसे टाइम शेड्यूल मिला है वो 7 से 8 बजे का है, लेकिन अभी वो जो आ रही है वो अपने टाइम से 3 से 4 घंटे लेट आ रही है। तो अभी भी उसे आने में 10 से 15 मिनट अभी बाकी हैं, तो जैसे ही आती है फिर उसको कैप्चर करते हैं, उसका अराइवल भी कैप्चर करेंगे और डिपार्चर भी कैप्चर करेंगे। अभी जहाँ मैं अभी आया हूँ तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो देखा है कि स्टेशन अब काफ़ी साफ़ सुथरा, इसका शेड वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरा है और पेंट वगैरह भी किया जा रहा है। अभी किसी से मालूम करेंगे इसको क्यों पेंट किया जा रहा है, या तो साल में एक दफ़ा इसको पेंट वगैरह किया जाता है, तो या किसी अफसर वगैरह ने आना होगा इसलिए इसको पेंट वगैरह किया जा रहा है। ये तो किसी से पता करने से ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 1000 एक्सप्रेस को कैप्चर करेंगे, फिर इस चीज़ के बारे में मालूम करेंगे कि क्यों इसको पेंट वगैरह किया जा रहा है, क्यों साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो मैं जब पहले आया था तो यहाँ पे इतनी सफाई वगैरह नहीं थी, अभी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। सिग्नल को डाउन कर दिया गया है और 1000 एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में प्लेटफार्म नंबर 1 पे अराइवल करेगी सरगोधा रेलवे स्टेशन पे। लोकोमोटिव की लाइट विजिबल होना शुरू हो चुकी हैं और 1000 एक्सप्रेस सरगोधा स्टेशन पे स्लो स्लो आ रही है। प्लेटफार्म नंबर 1 पे इसे लिया जाएगा। लोकोमोटिव इसका है PHA 28315, जो 1000 एक्सप्रेस को आज लीड कर रहा है मुल्तान रेलवे स्टेशन से।
लें जी फ्रेंड्स, ज़ारा एक्सप्रेस ने अराइवल कर लिया है और अब इसका डिपार्चर कैप्चर करने के लिए मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ चलते हैं और वहां से इसका डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। सिग्नल डाउन हो चुका है और किसी भी लम्हे 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस यहां से डिपार्ट कर जाएगी। लेवन अप हज़ारा एक्सप्रेस डिपार्चर विसल हो चुका है और लेवन अप हज़ारा एक्सप्रेस सरगोधा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करने लगी है। हज़ारा एक्सप्रेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये हवेलियाँ से लेके कराची तक चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कि टोटल इकोनॉमी क्लास है, लेकिन इसमें अभी कुछ ही महीनों पहले एक एसी स्टैंडर्ड का डब्बा कोच ऐड किया गया था। ये हवेलियाँ से चलती है रावलपिंडी, रावलपिंडी से सरगोधा, सरगोधा से आगे मुल्तान, मुल्तान से फिर आगे कराची की तरफ जाती है। हवेलियाँ से कराची तक जाने के लिए ये एक क्लोथी ट्रेन है, इसके अलावा और कोई ट्रेन नहीं है जो हवेलियाँ से कराची की तरफ जाए। डिपार्ट फ्रॉम सरगोधा रेलवे स्टेशन 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी किसी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें।